नेटफ्लिक्स जो सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन प्लान है ओटीटी के मामले में, और इसके ऊपर सबसे बेस्ट कंटेंट भी मिलता है, और वहीं ये फेमस है अपने अडल्ट कंटेंट के लिए, और वहीं इसने बॉलीवुड में भी काफी अडल्ट मूवीज और वेब सीरीज बना रखी है। लेकिन उसकी सबसे प्रचलित मूवी जो है वो है लस्ट स्टोरी, और जिसका सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा फेमस सीन कियारा आडवाणी का ये वाला था, जो वाइब्रेटर वाला, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इतना फेमस हुआ था कि लोगों ने इसे छान छान के ढूंढ ढूंढ के पूरा देखा है। आपने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं। वही नेटफ्लिक्स ने अपनी सेक्सी हॉट सीरीज मूवी को आगे बढ़ाया है, और उसका पार्ट टू लस्ट स्टोरी टू आया है, जिसके अंदर सेम चार स्टोरी है। चारों स्टोरी अलग अलग है, किसी से कनेक्ट नहीं होती, लेकिन वो एक चीज से कनेक्ट होती है, लस्ट से। लेकिन क्या ये चार स्टोरी पहले की तरह बेहतर है, और कौन सी स्टोरी सबसे बेस्ट है, कौन सी स्टोरी सबसे वर्स्ट है, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर। हम तो कर रहे थे, क्यों निकाल दिया उसे? निकाला नहीं। सबसे पहले अगर स्टोरी की बात की जाए तो इसमें चार स्टोरी है, जिसमें दो बहुत अच्छी है और दो बहुत ही एवरेज और बेकार सी है। जिसमें पहली स्टोरी एक एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की है, कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है। लेकिन ये कहता अगर दोस्त तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कह कौन रहा है? ये कह रहा है दादी, और दादी का रोल प्लेड बाय नीना गुप्ता, जिन्होंने कुछ ऑकवर्डनेस सीन लाए। लेकिन इस स्टोरी में लस्ट बिल्कुल कम दिखाया गया है, और ज्ञान बहुत ज्यादा फैला गया है। मतलब डायलॉग्स हैं, भक्तोदी है, बहुत सारी, सिर्फ सुनते रहो। मैं ढूंढ रहा था कि वो सीन का है, लेकिन इस स्टोरी में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इतना मजा नहीं आता जो आप लस्ट स्टोरी में ढूंढने जाते हो। सेकंड स्टोरी जिसको देख के मैं शॉक हो गया, क्योंकि इसे बनाया है कोंकणा सेन ने, जिसको आपने वेकअप सीड में देखा होगा, और ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन अपनी एक्टिंग बहुत ही प्यारी करती है। उसी हिसाब से इन्होंने पहली बार शायद ये डायरेक्शन में आई है, और क्या स्टोरी बनाई है यार। इसको कहते हैं लस्ट, जो दिखाना है, जो देखना है हमें, वो इसी स्टोरी में देखने को मिला है, क्योंकि बाकियां स्टोरी तो सिर्फ इसके अंदर हमें जो देखने को मिला वो बहुत प्यारा है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, कि अगर जो रिच है उसको सेक्स नहीं मिल रहा, लेकिन जो पोर है उसको सेक्स भी मिल रहा है और मजा भी मिल रहा है, लेकिन उसे देखने के बाद क्या उसे डांटे या उसे रिझा कर मजे लिए जाए, वो कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखने को मिलता है। और बहुत बार इसके अंदर डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन जो एक्सप्रेशन है एक्टर्स के, उनको बहुत ही प्यारी तरीके से निभाया है। जो मेड का कैरेक्टर किया उसने बहुत प्यारी एक्टिंग की है, और जो उनकी मालकिन बनी है उसने भी उस चीज को जो देखते हुए रिएक्ट किया है, जो एक्ट किया है, वो काफी शानदार लगता है, और देख के आपको भी मजा आता है। बात करते हैं हम थर्ड स्टोरी की, जिसके अंदर हमें विजय वर्मा और तमन्ना दिखी थी, जिसे दिखाकर ही नेटफ्लिक्स इसे सेल किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा इसी को प्रमोट कर रहा था। लेकिन उसमें वो बात तो मिली जो देखना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं थी जो हमको चाहिए थी। इसके अंदर एक ऐसी दुनिया दिखा दी कि जो कार्टूनिस्ट लगती है, और कार्टून की दुनिया में हर कुछ भी हो सकता है। वैसे ये स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन तमन्ना को लाल साड़ी में अगर आपको देखना था तो वो देख के आपको मजे मिल सकते हैं। बाकी इसकी स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ नया सा नहीं लगता। बात करते हैं फोर्थ स्टोरी की, जिसमें काजोल और कुमुद मिश्रा है, और ये एक पुराना टाइप की स्टोरी है, जो कि एक ठेकेदार की है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करते हैं, और बड़े राजा महाराजाओं वाले लोग हैं, जो कि मान सम्मान में काम करते हैं, और ये अपने घर पे वेश्याएं ले आते हैं, और इनकी पत्नी का कैरेक्टर निभाया काजोल ने, और जो इस चीज में फंसती है, इसका एक बच्चा है जिसे इन्हें लंदन पहुंचाना है, लेकिन इन सब चीजों से आगे बढ़ा के वो कैसे बचाएगी नहीं बचाएगी वो स्टोरी में दिखाया। लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो एक्टिंग है काजोल की, कुमुद मिश्रा की, और एक छोटी लड़की की, जो देखकर अच्छा लगता है, और आखिरी में जो ट्विस्ट एंड टर्न, जो सस्पेंस खुलता है, और जब वो एकदम आंख खुलती है और आह वाली आवाज आती है, वो समझ में आता है कि मजा आ रहा है, कुछ सस्पेंस खुलता है, और आखिरी में जो ट्विस्ट आता है ना, उसे देखकर और भी मजा आता है। वैसे अगर इसे रैंक किया जाए, नंबर वन पर सेकंड वाली स्टोरी, नंबर टू पर फोर्थ वाली स्टोरी, नंबर थ्री पर फर्स्ट वाली, और नंबर फोर पर विजय वर्मा और तमन्ना वाली। हाँ, लस्ट के लिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये स्टोरियां काफी अच्छी लगी हैं। वैसे देखकर इनका मजा लिया जा सकता है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है जैसी कि पहले वैसी वाली स्टोरीज में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो लस्ट है और कुछ स्टोरियां काफी अच्छी है, जिसे एक बार तो देखा जा सकता है। वैसे अगर आप में ठरक ज्यादा है तो आपने पहले ही इसे देख लिया होगा, और अगर देख लिया है तो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तब तक मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।